हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैकलॉरिन थ्योरम का प्रूफ और उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल करेंगे। इसका स्टेटमेंट है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जो कंटीन्यूअस फंक्शन है और उसका nth और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो मैकलॉरिन थ्योरम होती है fx equal to f0 plus x upon factorial 1 f dash 0 plus x square upon factorial 2 f double dash 0 plus and so on up to x to the power n upon factorial n fn 0 and so on। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम एक पॉलीनोमियल लेकर चलते हैं fx equal to a0 प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यू एंड सो ऑन अप टू एन एक्स टू द पावर एन। यहाँ पर जो ए जीरो ए वन ए टू है ये हमारे क्या है, कॉन्स्टेंट है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ए जीरो ए वन ए टू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उन वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट जो है उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स सक्सेसिवली। तो यहाँ पर जो एफ एक्स है वो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू ए जीरो कॉन्स्टेंट है जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस ए वन एक्स का हो गया वन प्लस ए टू एक्स स्क्वायर मतलब टू एक्स टू ए टू एक्स टू ए टू एक्स प्लस थ्री ए थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू इसका होगा एन ए एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन। इसे हमने इक्वेशन सेकेंड नाम दिया। अब इसे अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा f डबल डैश x इक्वल टू ए वन हो जाएगा जीरो प्लस टू इंटू एक्स का क्या होगा वन, तो टू इंटू वन ए टू प्लस थ्री ए थ्री एक्स स्क्वायर का होगा टू थ्री इंटू टू ए थ्री एक्स प्लस एंड सो ऑन अप टू ये हो जाएगा n, फिर x टू द पावर n माइनस वन का होगा n n माइनस वन ए एन एक्स टू द पावर n माइनस टू एंड सो ऑन। ये इक्वेशन थर्ड। फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f ट्रिपल डैश x इक्वल टू यहाँ पर ये टर्म जीरो है, ए टू भी जीरो हो जाएगा प्लस ए थ्री कितना आएगा यहाँ से थ्री इंटू टू एक्स का हो जाएगा वन ए थ्री प्लस एंड सो ऑन अप टू ये होगा एन इंटू एन माइनस वन इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे होगा एन माइनस टू ए एन एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री एंड सो ऑन। इसे हमने इक्वेशन फोर्थ नाम दिया। अब यहाँ पर हमारे पास जो एफ एक्स है एफ डैश एक्स है एफ डबल डैश एक्स है एफ ट्रिपल डैश एक्स इन तीनों की वैल्यूज आ गई हैं। यहाँ से हमको क्या करना है, a0, a1, a2 जो हमारे हमने कांस्टेंट लिए हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अगर हम इन सभी इक्वेशन में x इक्वल टू जीरो रख दें, हमने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किया, थर्ड टाइम डिफरेंशिएट किया, तो फर्स्ट टाइम में a1 आ रहा है, सेकंड टाइम में a2 आ रहा है, थर्ड टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो a3 से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह से अगर हम इसको n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं एफ एन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, केवल हमारी n टर्म आएगी, उससे पहले के सारे टर्म जीरो हो जाएंगे। जैसे थर्ड टर्म में ए थ्री से पहले के सारे टर्म जीरो हैं, एफ डबल डैश एक्स में ए टू से पहले के सारे टर्म जीरो हैं, इसी तरह से एफ एन एक्स लेंगे तो यहाँ पर ए एन से पहले के सारे टर्म जीरो हो जाएंगे। ट्रिपल डैश एक्स में थ्री टू थ्री से स्टार्ट हो रहा है वन तक जा रहा है, डबल डैश में टू से स्टार्ट हो रहा है वन तक जा रहा है, इसी तरह से एन एथ टर्म में एन से स्टार्ट होगा एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री एंड सो ऑन अप टू थ्री टू एंड वन या हो जाएगा एक्स टू द पावर एन माइनस एन हो गया एन एंड सो ऑन। ये इक्वेशन फिफ्थ हो गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ए जीरो ए वन ए टू इन सभी की वैल्यू फाइंड करनी है। इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमने डिफ्रेंशिएट किया है इन सभी में जितने भी फंक्शन है उन सभी में हम एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे। यहाँ पर हम रखेंगे पुट एक्स इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। इन सभी में हम एक्स इक्वल टू जब जीरो रखेंगे तो फर्स्ट में अगर रखते हैं एक्स इक्वल टू जीरो ये हो जाएगा एफ जीरो इक्वल टू ए जीरो, ठीक। इसके बाद एफ डैश सेकेंड में रखेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश जीरो इक्वल टू ए वन, ठीक। यहाँ पर हम अब हम एफ डबल डैश में रखेंगे, एफ डबल डैश जीरो इक्वल टू ये हो जाएगा टू इंटू वन, मतलब इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल टू इंटू ए टू। इसी तरह से ट्रिपल डैश में रखेंगे तो एफ ट्रिपल डैश जीरो इक्वल टू थ्री इंटू टू इंटू वन, इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल थ्री ए थ्री एंड सो ऑन अप टू एफ एन जीरो। यहाँ पर जब जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा एन एन माइनस वन एन माइनस टू एंड सो ऑन अप टू थ्री टू वन, इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन ए एन। यहाँ से ए जीरो की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ जीरो। इसी तरह से ए वन की वैल्यू हो जाएगी एफ डैश जीरो,
यहाँ से हम a2 निकालेंगे तो a2 इक्वल टू होगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0। यहाँ से a3 आ जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश 0 एंड सो ऑन अप टू। यहां से हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं तो ये हो जाएगा a n इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल n f n 0। अब इन सभी वैल्यूज को, हमारे पास जितने भी कांस्टेंट थे उन सभी की वैल्यूज आ गई हैं, इन सभी की वैल्यूज को हम कहां रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो जो सीरीज बनेगी वो कौन सी सीरीज बनेगी, मैकलॉरिन सीरीज, और हमारी मैकलॉरिन सीरीज प्रूफ हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, जो a0 a1 a2 एंड सो ऑन अप टू an, इनकी जो वैल्यूज हैं उसे हम कहां रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट है fx इक्वल टू a0, a0 इक्वल टू कितना है f ऑफ 0 प्लस a1x, a1 कितना है f डैश 0 इनटू x प्लस a2x स्क्वायर, a2 है हमारे पास 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0 इनटू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 a3 कितना है 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश 0 इनटू x क्यूब प्लस एंड सो ऑन अप टू an, an की वैल्यू है 1 अपॉन फैक्टोरियल n fn 0 इनटू x टू द पावर n एंड सो ऑन। तो इसे हम इस टाइप से अरेंज कर सकते हैं कि fx इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस x, x के अपॉन में फैक्टोरियल 1 लिखेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा f डैश 0 प्लस x स्क्वायर अपॉन, इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश 0 प्लस एंड सो ऑन अप टू x टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n fn 0 एंड सो ऑन। यहां पर हमारी मैकलॉरिन थ्योरम प्रूफ हो गई, यही हमको प्रूफ करना था। अब इस पर हम सम करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है प्रूव दैट log 1 plus e to the power x equal to log 2 plus x by 2 plus x square by 8 minus x to the power 4 upon 192 and so on। तो यहां पर हमें कितनी बार डिफरेंशिएट करना है इसको, यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी है 4, इसका मतलब हमको 4 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। यहां पर हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, log 1 plus e to the power x, तो हम लिख सकते हैं let f of x, हमने क्या assume किया f of x equal to log 1 plus e to the power x, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी। इक्वेशन फर्स्ट है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर f डैश x कितना हो जाएगा, ये हो गया log x, log x का होगा 1 अपॉन x, मतलब 1 अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर x, फिर 1 प्लस e टू दी पावर x का 1 का हो जाएगा 0, कितना आ जाएगा e टू दी पावर x। इसे हम सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो f डबल डैश है, f डबल डैश x जब आएगा तो यहाँ पर ये डिवाइड रूल लगेगा, डिवाइड रूल में मतलब 1 प्लस e टू दी पावर x इसका होल स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर वही रहेगा, न्यूमरेटर डिफरेंशिएट होगा, e टू दी पावर x का डिफरेंशियल e टू दी पावर x माइनस फिर न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंशियल 0, सेकेंड हो जाएगा e टू दी पावर x, f डबल डैश x इक्वल टू ये हो जाएगा e टू दी पावर x प्लस बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, मतलब e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर 2x अपॉन में हो गया 1 प्लस e टू दी पावर x होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, f डबल डैश x इक्वल टू कितना हुआ e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर x होल स्क्वायर। इसको अगर हम यहाँ से फिर हम जब थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर डिवाइड रूल लगाएंगे, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब होल 4 हो जाएगा। तो अगर ऐसा ना करना चाहें तो हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर x, अगर इसको स्क्वायर में ना लिखते हुए हमने 1 प्लस e टू दी पावर x एंड 1 प्लस e टू दी पावर x लिखा, तो यहां से f डबल डैश x e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर x, इसको हम क्या लिख सकते हैं f डैश x, और ये f डैश x की वैल्यू हो जाएगी। तो जब हम आगे डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x f डबल डैश x बन जाएगा, डबल डैश x होगा वो ट्रिपल डैश x बन जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर x, ये वही रहेगा। अब इनके सभी पे हमको x इक्वल टू 0 पर भी वैल्यू निकालनी है, तो हम साथ में निकालेंगे, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो f ऑफ 0
इक्वल टू ई टू द पावर जीरो, मतलब वन, वन प्लस वन टू लॉग टू, ये एफ जीरो आ गया। इसके बाद एफ डैश जीरो यहां पर रखेंगे हम एट एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो ई टू द पावर जीरो वन अपॉन ई टू द पावर जीरो वन, वन प्लस वन टू, ये हो गया वन बाय टू। इसके बाद एफ डबल डैश जीरो, मतलब यहां पर रखना है हमको, हम रखेंगे एट एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब एफ डबल डैश जीरो, ये क्या हो जाएगा ई टू द पावर जीरो वन, वन अपॉन यहाँ पर e टू द पावर जीरो वन, इसमें भी रख सकते हैं, इसमें बात देखिए e टू द पावर जीरो वन, वन प्लस वन टू, मतलब फोर, स्क्वायर हो गया फोर, ये आ गया f डबल डैश जीरो, कितना आ गया फोर आ गया। अब हमें क्या करना है, जो डबल डैश x है उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकेंड फंक्शन, मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो f ट्रिपल डैश x इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन हमारा वही रहेगा, सेकेंड को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसमें हम डिवाइड रूल लगा देंगे, मतलब पहले प्रोडक्ट रूल लग रहा है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड डिफरेंशिएट, फिर जब सेकेंड डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट नहीं हो रहा है, तो हम इस पर डिवाइड रूल लगाएंगे, मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर डिफरेंशिएट करेंगे, वन का डिफरेंशियल जीरो माइनस फिर वन, न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट, मतलब वन का डिफरेंशियल जीरो, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स, फिर प्लस क्योंकि प्रोडक्ट रूल है, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड डिफरेंशिएट हुआ प्लस अब सेकेंड एज इट इज वन अपॉन वन प्लस ई टू द पावर एक्स, और फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ एक्स एफ डैश एक्स का होगा एफ डबल डैश एक्स, यहाँ पर एफ ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये टर्म्स हमारा जीरो हो गया, कितना आ गया माइनस ई टू द पावर एक्स अपॉन वन प्लस ई टू द पावर एक्स होल स्क्वायर एंड एफ डैश एक्स प्लस वन अपॉन वन प्लस ई टू द पावर एक्स एफ डबल डैश एक्स। यहां पर हम x इक्वल टू जब जीरो रखेंगे तो इसमें कितना आएगा एट x इक्वल टू जीरो, इसमें रखेंगे एट x इक्वल टू जीरो, मतलब f ट्रिपल डैश जीरो इक्वल टू कितना होगा e टू द पावर जीरो वन, मतलब माइनस वन अपॉन e टू द पावर जीरो वन, वन टू टू सॉरी वन प्लस वन टू इन टू का स्क्वायर फोर, एंड f डैश जीरो, f डैश जीरो हमारे पास कितना है वन बाय टू, अरे वन बाय टू प्लस वन अपॉन e टू द पावर जीरो वन, मतलब वन प्लस वन टू, एफ डबल डैश कितना है वन बाय फोर, ये प्लस का वन बाय एट और ये माइनस का वन बाय एट कितना आ गया जीरो, मतलब f ट्रिपल डैश हमारा जीरो हो गया। तो जो हमारा प्रूफ है वहां से देखो, फर्स्ट में लॉग टू आ रहा है, ये लॉग टू आ रहा है, सेकेंड में वन बाय टू, वन बाय टू, यहाँ पर वन बाय एट आ रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू होता है, यहाँ पर फोर, थर्ड टर्म इसमें नहीं है, इसका मतलब थर्ड टर्म क्या होगी जीरो होगी। अब इसे हम एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, e टू द पावर x अपॉन वन प्लस e टू द पावर x होल स्क्वायर, ये वैल्यू है f डबल डैश x की। तो अब इसे पूरा डिफरेंशिएट ना करते हुए डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख दें और फिर फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दें, तो e टू द पावर x अपॉन वन प्लस e टू द पावर x होल स्क्वायर, ये है f डबल डैश x, मतलब माइनस f डबल डैश x इंटू f डैश x प्लस वन अपॉन वन प्लस ई टू द पावर एक्स एंड एफ डबल डैश एक्स। यहाँ पर जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ फोर एक्स, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट फंक्शन में सेकेंड ईयर, यहां भी प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट फंक्शन में सेकेंड ईयर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब एफ डबल डैश एक्स, सेकेंड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स का होगा एफ डबल डैश एक्स, फिर प्लस सेकेंड वही रहेगा एफ डैश एक्स और फर्स्ट डिफ्रेंशिएट होगा मतलब एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज वन अपॉन वन प्लस ई टू द पावर एक्स, सेकेंड डिफरेंशिएट होगा एफ डबल डैश एक्स का एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस सेकेंड वही रहेगा एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें डिवाइड रूल लगेगा वन अपॉन वन प्लस ई टू द पावर एक्स होल स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर वही वन प्लस ई टू द पावर एक्स, न्यूमरेटर डिफरेंशिएट करेंगे मतलब वन का जीरो, फिर माइनस न्यूमरेटर वही रहेगा वन और डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट होगा तो ये जीरो ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स, एफ फोर एक्स, एफ फोर एक्स इक्वल टू यहां पर एफ डबल डैश जीरो, एफ डबल डैश जीरो हमारे पास कितना है वो आया था वन बाय फोर, तो वन बाय फोर इंटू वन बाय फोर, मतलब माइनस कॉमन लिया
1 बाय 4 इंटू 1 बाय 4 प्लस एफ डैश हमारे पास कितना था, एफ डैश 0 था, 1 बाय 2 और ये एफ ट्रिपल डैश हमारे पास कितना है 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। फिर प्लस अब e टू दी पावर x मतलब यहाँ 0 रखेंगे तो 1 बाय 2 और f ट्रिपल डैश 0 है तो ये भी पूरा टर्म 0, ठीक। फिर प्लस f डबल डैश हमारे पास कितना था 1 बाय 4, अब यहाँ से ये टर्म्स पूरा 0 है, e टू दी पावर 0 1 माइनस 1 बाय कितना हो जाएगा 4, माइनस 1 बाय 4 ये हो गया माइनस 1 बाय 16 एंड माइनस 1 बाय 16 ये हो जाएगा माइनस 2 बाय 16 मतलब माइनस 1 बाय 8। F for 0 यहाँ पर 0 आएगा, F for 0 ये F for x आया है, इसमें x इक्वल टू हमने 0 रखा है एट x इक्वल टू 0 तो F for 0 हमारा कितना हो जाएगा माइनस 1 बाय 8। हमारे पास 4 टाइम्स हमने डिफ्रेंशिएट किया क्योंकि जो प्रूफ था वो कहाँ तक है x टू दी पावर 4 तक, तो हमने 4 टाइम्स को डिफ्रेंशिएट किया, जो वैल्यू आई है इनको हम कहाँ रखेंगे मैक्लोरिन थ्योरम में, लिखो बाय मैक्लोरिन थ्योरम, इसका स्टेटमेंट हम जानते हैं, स्टेटमेंट होता है एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश 0 प्लस प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एफ 4 0 एंड सो ऑन। एफ एक्स इक्वल टू जो हमें फंक्शन गिवन है वो फंक्शन है उसकी वैल्यू रख देंगे log 1 प्लस e टू दी पावर x इक्वल टू f0, f0 हमने निकाला था x इक्वल टू 0 पर log 2, फिर प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 f डैश 0, f डैश 0 की वैल्यू हमारे पास थी 1 बाय 2 अभी हमने किया था, प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0, f डबल डैश 0 हमारे पास था 1 बाय 4, f ट्रिपल डैश हमारे पास 0 था, प्लस x टू दी पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू एफ 4 हमारे पास कितना है माइनस 1 बाय 8 एंड सो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं log 1 प्लस e टू द पावर x इक्वल टू log 2 प्लस x बाय 2 लिख सकते हैं, जिस फॉर्म में हमें प्रूफ दिया है हमें उसी फॉर्म में लिखना है, प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 4 ये हो जाएगा 8, फिर माइनस x टू द पावर 4 प्लस माइनस 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 एक्स टू दी पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 कितना होगा 4 से 12 इंटू 24, 24 इंटू 8 मतलब 192, ये हमारा प्रूफ हो गया। और इस पर एक सम और करते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल है प्रूफ दैट e टू दी पावर ax cos bx इक्वल टू 1 प्लस ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 ak माइनस 3ab स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पर हमें फंक्शन क्या गिवन है, यह e टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, तो इसको हमने मान लिया लेट एफ एक्स इक्वल टू e टू दी पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स। अब हमें कहाँ तक इसको डिफ्रेंशिएट करना है ये हम कैसे पता करते हैं, कि जो प्रूफ है वहां पर क्या है एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, इसका मतलब इसको 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है, अगर एक्स स्क्वायर तक आता है प्रूफ तो यहाँ पर हमें 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है, अगर एक्स टू दी पावर 4 टर्म्स भी आती है इसका मतलब हमको 4 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट को विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x सक्सेसिवली, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f डैश x इक्वल टू कितना होगा ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लगेगा मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड डिफ्रेंशिएट होगा मतलब माइनस b साइन b f cos bx का डिफरेंशियल माइनस साइन बी ए माइनस बी साइन बी ए, फिर प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट डिफरेंशिएट होगा a e टू द पावर ए एक्स, ठीक। यहाँ पर f डैश x इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं माइनस b e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस a, अब यहाँ पर इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा और इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो अगर हम थोड़ा इजी कर दें इसको कि e टू द पावर ax cos bx ये वैल्यू किसकी है एफ एक्स की, तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट एफ एक्स लिख दें तो हमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना पड़ेगा, जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ एक्स को हम डायरेक्ट लिख देंगे एफ डैश एक्स, इसी तरह से इसको सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, लेकिन साथ में हमको क्या करना है एक्स इक्वल टू जीरो पर वैल्यू निकालते जाना है, यहाँ पर एफ ऑफ जीरो
ये हो जाएगा e टू द पावर 0 1, और cos 0, cos 0 भी 1, f 0 हमारा कितना आ गया 1 आ गया। इसी तरह से यहां पर भी हमको क्या करना है, x इक्वल टू 0 पर वैल्यू निकालनी है। x इक्वल टू 0 जब रखेंगे f डैश 0, ये साइन 0, साइन 0 होता है 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस a f 0, f ऑफ 0 कितना है 1, यहां से f डैश 0 कितना आ जाएगा 1 आ। अब हम इसको सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहां पर जब सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f डबल डैश x, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकेंड फंक्शन, मतलब हमने माइनस b को कॉमन लिया, फर्स्ट फंक्शन e टू दी पावर x, सेकेंड डिफरेंशिएट होगा ये हो जाएगा b cos bx प्लस sin bx, सेकेंड वही रहेगा, फर्स्ट डिफरेंशिएट होगा मतलब a e टू दी पावर ax, फिर प्लस a fx का डिफरेंशियल होगा f डैश x, f डबल डैश x, इसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी स्क्वायर e टू दी पावर ax cos bx, तो e टू दी पावर ax cos bx किसकी वैल्यू है, fx की, ये हो गया एफ एक्स, फिर माइनस माइनस बी इंटू ए, मतलब माइनस ए बी ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स, इसको एज इट इज रहने दिया, प्लस ए एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स, ये हमारा एफ डबल डैश एक्स आ गया। अब इसमें भी हमको क्या करना है, एक्स इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू निकालनी है, यहां से एफ डबल डैश 0, जैसे एफ एक्स निकाला, एफ एक्स हमें गिवन है, उसमें हमने x इक्वल टू 0 रखा, फिर f डैश x निकाला, उसमें x इक्वल टू 0 रखा, फिर f डबल डैश x निकालना है, और उसमें x इक्वल टू 0 रखना है, फिर ट्रिपल डैश में भी x इक्वल टू 0 रखना है। उसके बाद इन सभी की वैल्यूज हमें कहाँ रखनी है, मैकलोन्स थ्योरम का हमें स्टेटमेंट लिखना है और उसमें वैल्यू रखनी है। एफ डबल डैश 0 कितना हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर एफ 0, एफ 0 कितना है 1, माइनस ए बी साइन 0, साइन 0 मतलब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस ए एफ डैश 0, तो एफ डैश 0 कितना है 1, ये हो जाएगा एफ डबल डैश 0 इक्वल टू ए माइनस बी स्क्वायर। एक यहां पर एफ डैश 0 ये कितना है, एफ डैश 0 इक्वल टू ए है, इसमें भी एफ डैश 0 की वैल्यू हम रखेंगे ए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एफ डबल डैश 0 हमारा आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह से अब इसे थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो f ट्रिपल डैश x, मतलब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो एक ही फंक्शन है, यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन, इसमें भी एक ही फंक्शन है, तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, एफ एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा f डैश x, फिर माइनस ए बी, इसको हमने कॉमन लिया, फर्स्ट फंक्शन e टू दी पावर x साइन बी एक्स का होगा b cos bx, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन साइन बी एक्स, और फर्स्ट डिफरेंशिएट इसका होगा a e टू दी पावर ax, ठीक है, प्लस ए एफ डैश एक्स का होगा एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर एफ डैश एक्स, यहां पर क्या लिख सकते हैं माइनस ए बी स्क्वायर, माइनस ए बी और बी मतलब माइनस ए बी स्क्वायर और ई टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ई टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स तो हमें गिवन एफ एक्स, इसको हमने लिख दिया एफ एक्स, फिर माइनस ए स्क्वायर बी मतलब माइनस ए बी और ए माइनस ए स्क्वायर बी ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस ए एफ डबल डैश एक्स। अब इसमें हमको क्या रखना है, एक्स इक्वल टू जीरो रखना है, एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे तो एफ ट्रिपल डैश जीरो मतलब माइनस बी स्क्वायर एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो कितना है ए, ठीक, माइनस ए बी स्क्वायर, अब एफ जीरो कितना है वन, हो गया वन, फिर माइनस ए, यहां पर जब x इक्वल टू जीरो रखेंगे तो ये पूरा टर्म, क्योंकि साइन जीरो है, साइन वाला टर्म आ गया, मतलब x इक्वल टू जीरो रखा, साइन जीरो जीरो, ये पूरा टर्म जीरो, प्लस a f डबल डैश जीरो, f डबल डैश जीरो कितना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, f ट्रिपल डैश जीरो कितना हो जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर मतलब माइनस टू ए बी स्क्वायर, फिर प्लस ए क्यू माइनस ए बी स्क्वायर, एफ ट्रिपल डैश जीरो ये हो जाएगा ए क्यू माइनस थ्री ए बी स्क्वायर, यहां से अगर मैं ए कॉमन लेती हूं तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस थ्री बी स्क्वायर, तो हमारे पास एफ ट्रिपल डैश जीरो भी आ गया। हमें कहां तक डिफ्रेंशिएट करना है, थ्री टाइम डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि इसमें
थर्ड टर्म्स आ रही है, मतलब एक्स क्यूब वाला टर्म है, इसका मतलब इसको थ्री टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। अब हमें ये वैल्यू कहाँ रखनी है? मैकलोरिन थ्योरम में। तो अब मैकलोरिन थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे और उसमें वैल्यू रखेंगे। मैकलोरिन थ्योरम है हमारी एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल वाला एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जीरो एंड सो ऑन। यहाँ पर एफ एक्स हमारे पास जो फंक्शन है वो है ई टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स इक्वल टू एफ जीरो। एफ जीरो की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी आई थी, वन प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन एफ डैश जीरो। एफ डैश जीरो हमारे पास ए आया था प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जीरो। एफ डबल डैश जीरो कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश जीरो। एफ ट्रिपल डैश जीरो कितना आ रहा है, ए क्यू माइनस थ्री ए बी स्क्वायर। मतलब जिस फॉर्म में, अगर इस फॉर्म में आता है प्रूफ तो हमें ये वैल्यू रख देना है, अगर इस फॉर्म में आ रहा है तो ये वैल्यू रखना है। तो कितना आएगा, ए क्यू माइनस थ्री ए बी स्क्वायर, क्योंकि हमारा जो प्रूफ दिया है वो इसी फॉर्म में दिया है। तो ये हमारे मैकलोरिन थ्योरम प्रूफ हो गई। इसको हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं कि वन प्लस ए एक्स, यहाँ पर ई टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स इक्वल टू वन प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू। जिस फॉर्म में प्रूफ दिया है उसी फॉर्म में हम आंसर लेते हैं, एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल थ्री एंड सो ऑन। ये हमारी प्रूफ हो गई। तो यहाँ आज के लिए इतना ही। इस नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर बेस कुछ और इम्पोर्टेंट सम करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।